अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लेकर आ चुके हैं जी आप लोगों के लिए ज़ेलबेरी की न्यू अराइवल न्यू कलेक्शन। और बहुत ही ज़्यादा ह्यूज ह्यूज कलेक्शन कहना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो बन गई है और इसमें सारी ही जितनी आपको शो की जाएगी ना, वो सब न्यू कलेक्शन शो की जाएगी। और डेली ही जो है वो ज़ेलबेरी के ऊपर न्यू कलेक्शन हमें देखने को मिल रहा है, न्यू अराइवल देखने को मिल रहा है और अपडेट होती ही जा रही है माशाल्लाह से। और लोगों का रश तो आप ना पूछिएगा, इसलिए जी वीडियो को एक लाइक तो बनता है। वीडियो में लाइक करने के आप लोग कंजूसी नहीं किया करें, लाइक ज़रूर किया करें वीडियो को, क्योंकि इतनी मेहनत से और धक्कम पेल के बीच में घुस घुसा के जो वीडियो बनाते हैं ना, तो जी बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत हो जाती है। ठीक है, आई होप कि आप लोग समझ सकेंगे। और देखिएगा जी, बहुत खूबसूरत से कलर्स भी आपको मिल जाएंगे, लेकिन ज़्यादातर जो मोस्टली है ना, वो हमें ब्लैक की रेंज देखने को मिली है। ब्लैक के ऊपर क्योंकि पसंद भी किए जाते हैं, और वाकई में ब्लैक की जो रेंज आती है ना, वो कुछ ही दिनों में आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है। स्पेशली जो वीडियो के स्टार्टिंग में आपको मैंने ब्लैक कुर्ती शो की थी ना, पिंक एम्ब्रॉयडरी के साथ वाली, वो इतनी हसीन कुर्ती है और वो इतनी ज़्यादा लोग लेना मतलब परचेज़ कर रहे थे ना, इवन के सभी के हाथों में मुझे वो कुर्ती नज़र आई है, और मस्टर्ड वाली भी। तो ये सारी वो कलेक्शन है जी जो कि बहुत ही जल्दी आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगी, और ज़ेलबेरी की तो वैसे भी कलेक्शन जल्दी आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है। तो इसके अलावा जो इस तरह के ट्यूनिक्स है वो भी आपको मिल रहे हैं, इस पर भी रेंज आई है, और ये थोड़े डिफरेंट पैटर्न पे आए हैं, जैसे पहले आए थे ना उससे हट के कुछ हैं ये। और प्रिंट आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा है, इसका कलर अच्छा लग रहा है। अच्छा, देखिएगा इस ट्यूनिक के जो अपर बॉडी है ना, उसके ऊपर इस तरह से इलास्टिक के साथ स्टिचिंग दी गई है, और ये काफ़ी प्यारा स्टाइल लगता है, स्पेशली पहनने के बाद इसका लुक सामने आता है। बट इसको क्या कहा जाता है वो मेरे माइंड में अभी आ नहीं रहा है। और स्लीव्स भी बड़े प्यारे से हैं, पफ स्लीव्स हैं इसके, और ये देखिएगा जी प्रिंट भी काफ़ी अच्छा है, सॉफ्ट सा मटेरियल है, लॉन फैब्रिक के ऊपर ये ट्यूनिक आपको मिल रहा है। अच्छा, फ़िलहाल इस स्टाइल के ऊपर ना जस्ट एक ही प्रिंट आया है अभी, हो सकता है आने वाले टाइम में हमें और मज़ीद प्रिंट्स भी देखने को मिले। अच्छा, ये वाइट कलर का देखिएगा जी, ये भी काफ़ी ज़रा सोन परी वाला लुक आएगा पहनने के बाद। अब ये डिपेंड करता है हर एक की देखिए चॉइस के ऊपर होता है, बट मुझे जो है ना ये आर्टिकल देखते ही एकदम से सोन परी याद आ गई। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे सोन परी कौन है, तो सोन परी असल में जो है ना, जब मैं छोटी थी तो एक शो आता था इंडियन शो, उसका नाम था सोन परी, और उसमें जो थी ना वो बड़ी प्यारी सी एक लड़की थी, वो इस तरह की ड्रेसिंग जो है वो करती थी, वो परी थी बेसिकली। तो ये मैं बताना आपको चाह रही थी कि ये पहनने के बाद आपका वैसे ही लुक आएगा। ठीक है, अच्छा चलते हैं जी काम की बातों की तरफ कुछ। और ये वाला जो आर्टिकल है ये भी जी बड़ा खूबसूरत है, इसका हॉट पिंक कलर है और फैब्रिक भी काफ़ी नाइस है, लॉन फैब्रिक पर ये आर्टिकल आया है, और इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी भी बड़ी प्यारी सी दी गई है, बेज कलर के साथ इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी ऐड की गई है, और ये देखिए अच्छा लग रहा है वैसे, ये वाली ये कुर्ती भी अच्छी लग रही है। इसके ऊपर अगर आप चाहें तो बेज कलर के ट्राउजर्स भी ऐड कर सकते हैं, या पिंक जो सेम कलर है, वैसे सेम कलर जो है ना वो जख्मी कलर है, अच्छा कलर है प्यारा। और इसके ऊपर वैसे मिल तो जाने चाहिए ट्राउजर्स ढूंढने पे जो मिल जाएंगे आपको। और इसके ऊपर काफ़ी सॉफ्ट वाली लॉन कॉटन लॉन मिक्स फैब्रिक है, इनका जो सिग्नेचर फैब्रिक है, जो कि इनके मोस्टली आपको एम्ब्रॉयडर्ड आर्टिकल्स में देखने को मिलता है। और क्लोजली जी इसकी एम्ब्रॉयडरी भी देख लीजिए, बड़ी ही बारीक सी डिसेंट सी एम्ब्रॉयडरी की गई है इस कुर्ती के ऊपर भी। इसके स्लीव्स भी देख लें, स्लीव्स के ऊपर ऊपर बंच भी बना हुआ है, और इस तरह से स्लीव्स के नीचे भी इस तरह से एम्ब्रॉयडरी मिल रही है विद लेस। 2790 जी इस कुर्ती की प्राइस रेंज है। इसके अलावा ये ग्रीन भी बड़ी प्यारी लग रही है, ये भी एक न्यू कुर्ती आई है इनकी, और ये खूबसूरत सा प्रिंट है इसका भी, और ब्राइट कलर है ना, काफ़ी अच्छा लग रहा है। अच्छा, ये ना प्रिंटेड लॉन कुर्ती है, और इसके ऊपर जो प्रिंटिंग की गई है ना वो गोल्ड से की गई है, यानी वो रियल गोल्ड की बात नहीं कर रही हूँ मैं, मतलब गोल्डन कलर के साथ प्रिंटिंग की गई है। अभी मैं आपको शो करती हूँ जी क्लोजली, आप देखिएगा काफ़ी अच्छी और नाइस प्रिंटिंग इसके ऊपर की गई है। इस तरह की प्रिंटिंग जो है हमें जे डॉट के ऊपर भी काफ़ी सारे सूट्स के ऊपर नज़र आती है, और गोल्डन या सिल्वर कलर का एडिशन जिस भी सूट के ऊपर या हमें मिलेगा ना फैब्रिक के ऊपर, वो ज़रा फैंसी ही लगता है, और चाहे एम्ब्रॉयडरी हुई भी हो या नहीं भी हुई हो तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फैब्रिक फैंसी होता है ना तो फिर फैंसी लुक आता है। अच्छा, ये 1990 की प्राइस रेंज में कुर्ती है। अच्छा, ये जी मोस्ट डिमांडेड कुर्ती है, मैं आपको बता दूं कि ये वाली कुर्ती जो है वो बचने वाली नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी इसी सेम कलर्स के साथ एक और कुर्ती आई थी और वो बहुत ही जल्दी जी आउट ऑफ स्टॉक हो गई थी।
और ये वाली भी जैसे कि मैंने आपको बताया, इतना रश था और तकरीबन हर बंदा ही ये परचेज़ कर रहा था, जो भी उस टाइम पे मौजूद थे ना लोग, वो सब ये परचेजिंग कर रहे थे, क्योंकि ये बहुत ही प्रोमिनेंट हो रहा है। स्पेशली जो इसके स्लीव्स है ना, वो बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। नेकलाइन के ऊपर तो सिंपल सी हुई हुई है ना एम्ब्रॉयडरी, असल काम जो हुआ हुआ है ना, वो हुआ हुआ है जी इसके स्लीव्स के ऊपर, जो कि मैं अभी आपको शो करती हूँ। नेकलाइन भी प्यारी लग रही है और फैब्रिक वही जी लॉन कॉटन मिक्स फैब्रिक है इसका। और ट्राउज़र्स की इसके साथ कोई झंझट नहीं है, आपके पास ब्लैक कलर के ट्राउज़र्स होते ही हैं सभी के पास। साइड पैनल्स के साथ स्टिच किया गया है और इस तरह से बैगी से स्लीव्स हैं, और स्लीव्स के ऊपर एम्ब्रॉयडरी देखिए ज़रा, इतने खूबसूरत पिंक का शेड और येलो का शेड यूज़ किया हुआ है ना, अच्छा लग रहा है ये। और ये साइड पे इस तरह से टेसल्स वगैरह भी ऐड हो गए, तो और ज़रा खूबसूरती आ गई है इसके अंदर। क्लोजली फैब्रिक भी चेक कर लीजिए। और अब देखते हैं जी इसकी प्राइस रेंज, हमें मिल रही है 2490, यानी 2500 की प्राइस रेंज में बहुत ही खूबसूरत सी कुर्ती है, क्योंकि ट्राउज़र्स तो आपके पास होंगे ही और दुपट्टा वगैरह फिर आप देख लीजिएगा कि क्या आपने लेना है, इसके साथ मिक्स एंड मैच करना है। और मज़ीद जी ये कुर्ती कलेक्शन मैंने आपको शो कर दी है, ब्लैक के ऊपर ग्रीन के ऊपर भी दिखा दिया। अच्छा, नेक्स्ट जो आर्टिकल है ना, ये टू पीस के साथ आपको शो कर रही हूँ, और ये भी काफ़ी प्यारा सा अच्छा आर्टिकल है, ब्लैक कलर के साथ है। ये भी आपको सेम कॉटन लॉन फैब्रिक के ऊपर ही मिल रहा है। अच्छा, ब्लैक की रेंज मैंने आपको जैसे कि बताई ना, काफ़ी सारी आई है, अभी आगे भी आपको शो करूँगी और मज़ीद ब्लैक की रेंज। तो और ब्लैक, मज़े की बात यह है कि ब्लैक जो है ना, कोई ही शायद ऐसा बंदा हो जिसको ब्लैक कलर पसंद नहीं हो, सभी को ब्लैक पसंद होता है और सभी का फेवरेट भी होता है। बहुत ही रेयर ऐसा देखा गया है कि कोई ब्लैक नहीं, वैसे तो पहनना काफ़ी सारे लोग पसंद नहीं करते, और वो उसके पीछे कुछ अजीब ही हिस्ट्री चली आ रही है, कोई नानियाँ दादियाँ जो है ना हमारी, और वो कुछ बुरा समझती थी। खैर, मैं तो इन चीज़ों को नहीं मानती हूँ। बहरहाल, अच्छा बात करते हैं जी इस आर्टिकल की, जो कि टू पीस के ऊपर है और बहुत ही खूबसूरत आर्टिकल है। ये ब्लैक कलर के साथ एम्ब्रॉयडरीज की नेकलाइन के ऊपर मिल रही है और स्लीव्स के ऊपर भी एम्ब्रॉयडरी मिल रही है, जबकि प्लेन इसके साथ स्ट्रेट ट्राउजर्स लगाए हुए हैं। और जस्ट देखिएगा, नेकलाइन पे इतनी सी एम्ब्रॉयडरी हुई है, बट कितना अच्छा लग रहा है, अट्रैक्टिव आर्टिकल लग रहा है। और ये जी 3490 की, तकरीबन वही 3500 की प्राइस रेंज में आपको मिलेगा। साथ ही जी बैग भी लगा हुआ था, तो वो भी मैंने सोचा कि आपको शो कर दूं, अच्छा लग रहा है बैग भी। और बैग्स की जो इनकी प्राइस रेंज है, वो आपको 2000 से लेके 3000 के इन बिटवीन मिलती है, ये भी आप देख सकते हैं जी। 2690 में ये बैग मैंने आपको शो किया। ये फुटवेयर भी आप देखिएगा, फुटवेयर भी आपको एम्ब्रॉयडरी के साथ मिल रहा है 1990 की प्राइस रेंज में। इस पर दूसरा कलर भी मौजूद है, जो कि इस तरह से फॉन कलर के साथ है, अच्छा लग रहा है वैसे ये आर्टिकल काफ़ी। और इसके अलावा जी क्या कुछ आया हुआ, वो भी अभी हम देखते हैं। ये भी कुछ आया हुआ है, ये भी आप देख सकते हैं, कुछ कलरफुल सा है और कुछ बैगी से शेप के ऊपर है। मज़ीद जी नेक्स्ट जो आर्टिकल है, ये भी आपको अगेन ब्लैक के ऊपर शो कर रही हूँ, क्योंकि ब्लैक का डे था आज, सारा ब्लैक ब्लैक ही आर्टिकल ज़्यादातर ऐड किए हैं उन्होंने, ज़ेलबरी ने अपनी कलेक्शन में, तो इनकी समझिए आज की ब्लैक कलेक्शन आई है। और ये हमें मिल रहा है जी थ्री पीस के साथ, और लॉन फैब्रिक के ऊपर है, प्रिंटेड आर्टिकल है, काफ़ी खूबसूरत इसके साथ कलर कॉम्बिनेशन ऐड किया हुआ है। स्पेशली दुपट्टा आप देखिएगा कितना प्यारा लग रहा है, रस्ट कलर का एडिशन है इसके ऊपर, और वाइट कलर भी काफ़ी सारा नज़र आ रहा है प्रिंटिंग के ऊपर, देखिएगा क्लोजली। और ये दामन पे इसके सारा इस तरह से प्रिंटिंग ऐड की हुई है। नेकलाइन के ऊपर जी जॉइनिंग लेस के साथ जो है इस तरह से डिज़ाइनिंग ऐड की हुई है। और दुपट्टा जी इसका ज़रा देखिएगा कितना खूबसूरत लग रहा है, दुपट्टे की वजह से असल लुक है इसका, और बहुत प्यारा। ठीक है जी, स्ट्रेट ट्राउज़र्स हैं प्लेन, और ये ओवरऑल लॉन फैब्रिक के ऊपर ही आपको मिल रहा है। प्राइस रेंज जी इसकी हमें मिल रही है 3790। और ये जी इसके ट्राउज़र्स हैं प्लेन के ऊपर, ये भी आपको दिखा दिए, क्योंकि फिर काफ़ी सारी बहनें हमारी नाराज़ हो जाती हैं बड़ी जल्दी, क्या आपने इस तरह से नहीं दिखाया, ये नहीं दिखाया और वो नहीं दिखाया। दुपट्टा भी पहले खोल खोल के दिखा दिया था, दोबारा से आपको शो कर दिया है। अच्छा, एक बात मैं आपको बताऊँगी ज़रूर, क्योंकि हम दिखाते हैं जी आपको ऑनेस्टली, रिव्यूज़ देते हैं, तो इसका जो फैब्रिक है ना, वो मुझे थिन नज़र आ रहा है, क्योंकि इनर मतलब अंदर से जो है ना सी थ्रू लग रहा था मुझे, तो ये मैंने आपको बता दिया, बाकी आगे आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है, देख समझ के ये
लीजिएगा। नेक्स्ट ये आर्टिकल भी आप देख सकते हैं, टू पीस के साथ है, और ये जो है ना ज़्यादा लेटेस्ट आर्टिकल नहीं है, बट इनका रीस्टॉक हुआ है और ये अच्छा लग रहा है। फ्रोजी कलर के साथ एम्ब्रॉयडरी ऐड की हुई है और इसके स्लीव्स भी बड़े प्यारे हैं। 4490 जी इस टू पीस आर्टिकल की प्राइस रेंज है। इस शर्ट की बैक साइड पे भी बंच वगैरह बना हुआ है और कुछ लॉन कुर्तियां भी आपको शो कर देते हैं जनाब साथ ही, जो कि प्रिंटेड कुर्तियां हैं। और बहुत सारे लोग जो है ना ये कैजुअल कुर्तियां ज़रूर लेते हैं क्योंकि ये जो है ना ज़बरदस्त रहती हैं गर्मियों में। जो है आप इसके साथ वाइट ब्लैक कोई भी ट्राउज़र चला लीजिए और ये बासानी जो है घर में आप पहन लें और आपकी जी गर्मियाँ अच्छी निकल जाती हैं इन सस्ती सस्ती लॉन कुर्तियों पे, क्योंकि 1490 की प्राइस रेंज में कुर्तियाँ हैं सिली सिलाई। अगर आप कपड़ा भी लेते हैं ना 1000 रुपये तक का, तो 490 में कोई आपको कुर्ती भी स्टिच करके आजकल नहीं दे रहा है और सभी की जो है वो चार्जेस बढ़ गए। क्या करें जी, महंगाई है और हर एक के लिए महंगाई है, किसी एक के लिए तो है नहीं। और ये 1790 की प्राइस रेंज में है। ये वाली दिखाते हैं जी आपको, ये है जी न्यू अराइवल और पर्पल कलर के साथ है, काफ़ी खूबसूरत लग रही है और इसके ऊपर ये सारी ना बूटियाँ बनी हुई हैं पूरी ओवरऑल शर्ट के ऊपर। नेकलाइन के ऊपर भी बटन सेट किए हुए हैं जो कि अच्छे लग रहे हैं। ओवरऑल लुक काफ़ी खूबसूरत है, प्रिंट काफ़ी प्यारा है, प्रिंटेड लॉन कुर्ती है ये विद एम्ब्रॉयडरी और बहुत ही छोटी मोटी सी एम्ब्रॉयडरी की हुई है। इलास्टिक स्लीव्स हैं इस तरह से, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। ठंडा ठंडा सा कलर है, प्रिंट भी प्यारा है इसका और प्राइस रेंज जो उसकी हमें मिल रही है वो मिल रही है जी 1990। और ये ना ज़्यादा शॉर्ट लेंथ के ऊपर नहीं है, ये आप देख सकते हैं मिडिल लेंथ के ऊपर है ये कुर्ती और थोड़ा सा राउंड दामन है इसका। और 1990 की प्राइस रेंज में कुर्ती आपको मिल रही है जी। कुछ टू पीस भी देख लेते हैं साथ ही, ये वाला भी बड़ा खूबसूरत सा ब्लू कलर का आर्टिकल है, चिकनकारी शिफली वर्क के ऊपर इसके स्लीव्स दिए हुए हैं और पूरे शर्ट के ऊपर ना इस तरह से बंचेस बने हुए हैं। ये टू पीस के साथ हमें मिल रहा है, कॉटन लॉन फैब्रिक है जो कि अच्छा लग रहा है और कलर इसका स्पेशली काफ़ी प्यारा है। इसके ऊपर येलो शेड भी आपको मिल जाएगा, वो भी मैं अभी आपको शो कर देती हूँ। दोनों ही अपनी जगह प्यारे हैं दोनों कलर्स, ये देख लीजिएगा जी। ये भी इनका हिट ही जाएगा आर्टिकल क्योंकि इसके स्लीव्स के ऊपर जो है ना काफ़ी खूबसूरत सी चिकनकारी शिफली वर्क हुआ और शिफली वर्क चिकनकारी जो है ना वो किसी भी सूट के ऊपर मिलता है ना तो लोग बहुत ज़्यादा लेना पसंद करते हैं। अच्छा साइड पॉकेट्स भी दिए हुए हैं इसके साथ, ये भी देख लीजिए। एम्ब्रॉयडरी भी ज़रा क्लोजली देख लीजिएगा, फैब्रिक वगैरह भी बहुत ही सॉफ्ट है। और जी प्राइस रेंज अब हम इसकी देख लेते हैं, पहले ज़रा आपको स्लीव्स भी शो कर दें साथ में। ये हैं जी इसके स्लीव्स कटवर्क के साथ, ये सारा शिफली वर्क दिया हुआ है। और जी प्राइस रेंज जो बनती है इसकी बनती है जी 3500 और इसके साथ स्ट्रेट ट्राउजर्स हैं प्लेन के ऊपर। ये टैग भी देख लीजिए क्योंकि जब तक आप लोग टैग नहीं देखते ना आप लोगों को तसल्ली भी नहीं होती, इसलिए जी कोशिश हमारी पूरी होती है कि सारा ही कुछ आपको दिखा दिया जाए। अच्छा ये वाला भी जो आर्टिकल है ना ये भी जी अगेन ब्लैक के ऊपर ही है, बट नो डाउट बहुत ही खूबसूरत से इसके ऊपर कलर थीम यूज़ की गई है जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा है। ऑरेंज कलर का एडिशन है और डिफरेंट कलर्स नज़र आ रहे हैं मल्टी शेड्स जो कि बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। प्रिंटिंग भी इसके ऊपर बहुत कमाल की गई है, ये भी जी काफ़ी अच्छा आर्टिकल है। अभी देखिएगा इसको ज़रा क्लोजली कितनी खूबसूरत सी इसके ऊपर प्रिंटिंग ऐड की हुई है, ये सारी कलर्स बड़े प्यारे प्यारे से यूज़ किए हुए हैं। वैसे ब्लैक कलर तो ऐसा कलर है ना इसके साथ आप कोई भी कॉम्बिनेशन ऐड करते हैं तो वो अट्रैक्टिव ही लगता है, अच्छा ही लगता है। और स्पेशली ब्राइट कलर्स जब ऐड हो जाएँ तो वो फिर चार चांद लग जाते हैं। जैसे कि ये देखिएगा कितना खूबसूरत प्रिंटिंग लग रही है इसके साथ ऑरेंज कलर का कॉम्बिनेशन। और अब जी दुपट्टा भी आपको शो करते हैं, दुपट्टा बड़ा खूबसूरत सा है, प्रिंटेड लॉन दुपट्टा है ये। ये देखिएगा लग रहा है ना अच्छा सूट ये। वैसे भी जी अभी तो आजकल जो है ना डिमांड चल रही है प्रिंटेड सूट्स की और इस तरह के कैजुअल थ्री पीस जो सूट है ना वो बड़े ही काम आते हैं गर्मियों में। 3790 इस थ्री पीस सूट की प्राइस रेंज थी। इसके अलावा जी बहुत सारी आपको कलेक्शन मिल जाएगी कैजुअल की
थ्री पीस के ऊपर, टू पीस के ऊपर, और टू पीस की जो प्राइस रेंज है वही हमें 2790 पे मिलती है, जबकि थ्री पीस आर्टिकल्स की जो लॉन प्रिंटेड सूट है ना विदाउट एम्ब्रॉयडरी, उनकी जो रेंज है वो हमें 3590 से लेके 3790 के इन बिटवीन मिलती है। अच्छा, ये ट्यूनिक देखिएगा, काफ़ी प्यारा लग रहा है। इसके साथ काफ़ी खूबसूरत सी स्लीव्स हैं, हमें बटन स्लीव्स इस तरह से ऐड की हुई हैं कफ के साथ, और अच्छा लुक है इसका। इसके स्पेशली ना स्लीव्स बड़े प्यारे हैं, ये इसको देख लीजिए आप। फिर मैं आगे चल के कुछ और मज़ीद कलेक्शन भी आपको दिखाऊंगी, क्योंकि आजकल जो है ना वो ये टीन्स वगैरह के लिए ज़्यादा होता है इस तरह के ट्यूनिक्स, और ऑब्वियसली हम तो जी वीडियो बनाते हैं सभी के लिए, तो जो मेरी बड़ी बहनें हों, छोटी बहनें हों, आंटियाँ हों, सभी के लिए ये वीडियो है जी। और ये कलेक्शन जो कि आप लोगों को दिखाई जाती है ताकि सभी खुश हो जाएं, कोई भी ऐसा ना सोचे कि भाई हमारे लिए तो इसमें कुछ भी नहीं था। अच्छा, ये पोंचो भी आप देख सकते हैं, और इस तरह के भी कुछ लोग पहनना पसंद करते हैं। ये भी कलरफुल सा आर्टिकल है, अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो वो देख सकता है, ठीक है। 2990 इस वाले आर्टिकल की प्राइस रेंज थी। ये जी ज़रा देखिएगा कितना खूबसूरत सा मस्टर्ड का शेड है, और ये भी जी है इनका हिट आर्टिकल, देखकर ही पता चल जाता है, ठीक है। लॉन फैब्रिक के ऊपर ये है, कलर बहुत हसीन है इसका, एम्ब्रॉयडरी भी बहुत ही खूबसूरत सी दी हुई है। और ये भी जी वो आर्टिकल है जो कि तकरीबन हर, जिस टाइम पे मैं गई थी उस टाइम पे हर बंदा जो परचेजिंग कर रहा था, सभी के हाथों में मुझे ये नज़र आए हैं। छोटी छोटी सी बूटियाँ इस तरह से बनी हुई हैं, और लेसेस वगैरह भी चौक दामन के ऊपर मिल रही है, डिसेंट सी, काफ़ी प्यारी सी, थोड़े से फैंसी सी एम्ब्रॉयडरी ऐड की हुई है वाइट गोल्ड के कॉम्बिनेशन के साथ नेकलाइन के ऊपर, प्यारी सी नेकलाइन है। और इसके स्लीव्स भी दिखा देते हैं, स्लीव्स के ऊपर जस्ट बूटियाँ ही बनी हुई हैं और लेस ऐड की हुई है। 2990 की प्राइस रेंज में ये कुर्ती हमें मिल रही है जी, जस्ट कुर्ती, अगर इसके साथ ट्राउज़र्स भी ऐड कर देते ना बेशक 3500 में कर देते तो ये एक अच्छा टू पीस आर्टिकल जो है ना बन जाता, क्योंकि ट्राउज़र्स जो है ना इस पर जब तक उसी कलर के ना हो ना वो ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा। बहरहाल पहनने को तो आप ऑफ वाइट के साथ भी पहन सकते हैं। अच्छा, ये नेक्स्ट भी मैं आपको कुर्ती शो कर रही हूँ, ये भी काफ़ी प्यारा सा फैब्रिक है, जरी वगैरह ऐड हुई हुई है फैब्रिक में, साइड से ये ओपन नहीं है और चौके वगैरह इसकी बंद है, राउंड दामन है, और क्लोजली ज़रा मैं शो करती हूँ आपको, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है ये फैब्रिक, ठीक है। ये देखिएगा सॉफ्ट मटेरियल है, और नेकलाइन के ऊपर ना इस तरह से इसके एम्ब्रॉयडरी मिल रही है, चिकनकारी वर्क मिल रहा है सारा, ठीक है जी। आप देखते हैं इसके स्लीव्स, प्यारे से स्लीव्स हैं, और इसके ऊपर जी हमें येलो कलर मिलेगा। सॉरी, मैंने एक और आर्टिकल थोड़े पहले दिखाया था ना इसी वीडियो में ब्लू कलर के साथ, मुझे लगा था कि उस पर येलो आर्टिकल है कोई सेम, बट वो मैंने शायद गलत आपसे कहा था। इस वाले सूट के ऊपर आपको जो है ना येलो कलर मिल जाएगा, जो कि मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। ये है जी इसका सेकंड कलर, और येलो भी काफ़ी प्यारा लग रहा है वैसे, सेम पैटर्न पर है, ये भी राउंड दामन है, साइड से चौके बंद हैं इसकी भी, और फैब्रिक वही है, जरी ऐड हुआ हुआ है फैब्रिक के साथ, नाइस फैब्रिक है। अच्छा जी, शॉपिंग फैसिलिटी अवेलेबल है ऑल ओवर पाकिस्तान के अलावा, पाकिस्तान से बाहर भी रहते हैं तो भी जी आप लोगों के लिए वर्ल्ड वाइड शिपिंग दी जा रही है। इसके अलावा जी मेरी जो प्यारी प्यारी सी आंटियां हैं, बहनें हैं, जो भी वीडियो को देखती हैं, उम्मीद करती हूँ कि उन सब ने वीडियो को लाइक कर दिया होगा पहले से ही विदाउट मेरे कहे, और साथ ही मेरे चैनल जिसके ब्लॉग्स को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इसके साथ ही मुझे अपनी दुआओं में कीजिए जी अलविदा, और मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत ही जल्द नेक्स्ट कलेक्शन के साथ। अल्लाह हाफिज़।